Hello. Today I'm going to talk about negotiation and bargaining. Why? Most of the people do not understand the difference between the two. They think they are one and the same thing. Not at all. Not at all. Negotiation and bargaining are two entirely different things. What's the difference then? Okay, before I tell you the difference, let me tell you about a short story, an incident which really happened in my friendly circle. I have a friend, Guptaji. Guptaji is a reasonably big industrialist. One day, he thought of buying 5 BMW cars for his family. For himself, for his brother, for their sons, etc. He made a list of 5. He went to the BMW dealer. I want 5 cars of this and this model. Dealer said, fine. Welcome, sir. Tell me the colors. Yeah? Gupta said, okay, fine. These are colors. But I want a discount from you. What is that? I want 6th car to be free. So it's not possible. Gupta says, fine, then make it possible. Agar possible nahi hai, you make it possible. Give me discount. The salesperson says, sir, I cannot do anything. Guptaji was not willing to relent. Finally, this guy went to the GM sales. Sir, there's a wealthy person who wants to buy 5 cars in one go. But he is demanding the 6th car. Chhati car free chata hai. He says, okay, fine, I'll come and talk. So, GM sales came. He said, namaskar, and sat down. Okay. GM sales said, GM ne kya bola? Theek hai. Main aapko chhati car physical roop mein nahi dunga. But, chhati car ka worth de dunga. I'll give you the worth of the 6th car. Okay. Are you going to give me cash discount? He said, no. You'll have to pay for the 5 cars in full. 5 car ke paise pure lagenge. फिर डिस्काउंट क्या हो? बोली देखिए मैं छठी कार की वैल्यू आपको फ्री दे रहा हूँ ना. गुप्ता जी स्लाइटली परप्लेक्स्ड. कैसे? बोला देखिए मैं 5 कारों की सर्विस अगले 5 साल के लिए बिल्कुल फ्री कर देता हूँ, जो मोटा मोटा 38 लाख रुपए बैठती है. इसलिए आपकी छठी कार बिल्कुल फ्री हो रही है. मंजूर है? गुप्ता जी सॉ द रीजन. ओह डन, वेल, ठीक है. गुप्ता जी पेड फॉर द 5 कार्स एंड मेड एन एग्रीमेंट कि 5ों गाड़ी की सर्विस अगले 5 साल के लिए फ्री हो गए. अब बताइए ये नेगोशिएशन है बार्गेनिंग? कंफ्यूज ना लोग, दिस प्योरली नेगोशिएशन. इट्स नॉट अबाउट प्राइस. सी, बार्गेनिंग इज टोटली अबाउट प्राइस. बार्गेनिंग का स्कोप बहुत ही सीमित है. मकान खरीदते हैं, एक सेलर एक बायर है. बायर की इंटेंशन है कम करा लो कम करा लो. जितना बायर कम कराएगा सेलर का उतना ही लॉस है. ऑटो रिक्शा वाले से बार्गेनिंग, सब्जी वाले से बार्गेनिंग, समाज में जगह जगह की बार्गेनिंग. लोगों को बार्गेनिंग की आदत पड़ी होती है. सो नाउ लुक एट दिस टेबल. कैरेक्टरिस्टिक बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन में डिफरेंस बता रहा हूं. पहला है फिनेंशियल एस्पेक्ट्स. लुक, बार्गेनिंग इज ओनली अबाउट प्राइस. उसका स्कोप बड़ा सीमित है. बट नेगोशिएशन इज मच बियॉन्ड प्राइस. चलो ठीक है, प्राइस तो ये है. आफ्टर सेल सर्विस, आपको अगले 10 साल तक हमें स्पेयर्स का बैकअप देना होगा. यस सर, देंगे. ठीक है, पुट इट इन द एग्रीमेंट. फाइन, ओके. आपको गुडविल वारंटी भी देनी होगी. एक्सेप्टेड, फाइन. फिर दैट्स नॉट इंक्लूडिंग द प्राइस. हाँ, ये प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है. अब बार्गेनिंग में द आउटकम इज विन लूज. बायर जितने कम कराएगा सेलर का उतना ही नुकसान. पर नेगो में इट्स अ विन विन. ठीक है, बायर मे नॉट बी इंसिस्टिंग ऑन द प्राइस दैट मच, बट सर्विस एस्पेक्ट ही इज आस्किंग टू मैनी एंड द सेलर इज विलिंग टू गिव. Fair. So it's a win-win situation. Okay? Motivation.
बार्गेनिंग में एक पार्टी का गेन है, लेकिन नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज का गेन है। बार्गेनिंग में हमारे इंटरेस्ट अपोज्ड है, नेगो में दे आर नॉट अपोज्ड। बार्गेनिंग में मेरी जो रिलेशनशिप है वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, मे बी इस पार्टी से मैं दोबारा कभी डील नहीं करना चाहूंगा। बार्गेनिंग, या आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स आई वेंट टू जापान वेयर स्मॉल शॉपकीपर्स वर देयर, आई डिड फियर्स बार्गेनिंग विद देम, क्योंकि पता है दोबारा इस दुकानदार की मैंने शक्ल नहीं देखनी। लेकिन डे टू डे लाइफ में जिन दुकानों से मैं सामान लेता हूँ, मुझे पता है अगर मैंने इनके साथ बार्गेनिंग की यार, तो अगली बार ये खींच खांच फिर से करेंगे। उनको पता है ये ग्राहक की आदत है, बस यहाँ से शुरू कराओ तो यहाँ लेता है, नहीं करता मैं ऐसे, अपने आप ही अगले रीजनेबल डिस्काउंट करके मुझे सामान देते हैं, बरोसील है, सीधा 20% हॉकिंस के प्रोडक्ट है 22% सीधा बिना पूछे मिलता है, टाइम बचता है। यस, सो रिलेशनशिप विद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, बार्गेनिंग में इट्स नॉट ए क्रिएटिव सिचुएशन, नॉट ए क्रिएटिव सॉल्यूशन, जिग जिग चलती रहती है। लेकिन नेगो में हमारा सॉल्यूशन काफी क्रिएटिव होता है, बोथ पार्टीज सेव टाइम, इट्स ए विन विन, इट्स ए विन विन। ओके नाउ लुक माय फ्रेंड्स, या आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल फ्रॉम अमेरिकन बिजनेसमैन स्टेट्समैन हेनरी डेविड थोरो। थोरो साहब के पास उनका एक पड़ोसी जमीन बेचने आया। ओके, पूछा क्या है, व्हाट डू वांट टू सेल, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, कितना चाहिए। थोरो ने पैसा उठाया, दे दिया, इट वॉज अ वेरी रिच पर्सन। और दो दिन के बाद हेनरी डेविड थोरो ने उस जगह का इवैल्यूएशन कराया, तो पता चला कि लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पड़ोसी बहुत सस्ते में दे गया। देन ही वेंट टू हिम, इतने सस्ते में क्यों दे, बोले पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तेरे सामने तीन ऑप्शन है, डील कैंसिल कर दे, पैसे वापस ले ले, ट्रीट इट एज ए लोन, जब हम वापस कर देना, दूसरा डिफरेंशियल ले ले, तीसरा ट्रीट दिस अमाउंट एज ए लोन, पेएबल व्हेन एबल, इफ नॉट एबल नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब तू चाहता क्या कर, फाइन, पड़ोसी बोला डिफरेंशियल दे दीजिए, या क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं लोन लंबे समय तक दे पाऊंगा, सो प्लीज गिव मी द डिफरेंशियल वट एवर इज फेयर। एंड हेनरी डेविड थोरो पेड द डिफरेंशियल, मार्केट रेट दिया पूरा उसको, किसी मजदूरी का फायदा नहीं उठाया। इसके विपरीत इंडिया में पिछले साल क्या हुआ, कोरोना चल रहा था, कई हॉस्पिटल्स ने बेड देने के लिए प्रीमियम वसूला, रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो 950 रुपये का आता है 50,000 रुपये में दिल्ली में बेचा गया। इंसानियत शर्मसार हुई, लेकिन जिन्होंने बेचा, जिन केमिस्ट ने बेचा, जिन एजेंट्स ने बेचा, अब बाकी की लाइफ में लोग उनकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। दिल्ली का एक रेस्टोरेंट वाला क्या किया उसने, यस, वो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेटर 20,000-25,000 रुपये वाला 70,000 रुपये में बेचा उसने, नतीजा धंधा बंद हो गया उसका परमानेंटली। सो क्या कहते हैं, थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नेवर डिग ए होल सो डीप दैट यू आर अनेबल टू कम आउट ऑफ इट, किसी दूसरे का इतना ज्यादा फायदा ना उठा लें कि बाद में रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सो बार्गेनिंग को लिमिट करें, नेगोशिएशन का स्कोप एक्सपेंड करें, एंड थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द नेक्स्ट पार्टी। थैंक यू वेरी मच।